किसान एक बार फिर से आंदोलन कर रहे हैं इसका सबसे ज़्यादा असर पंजाब हरियाणा और दिल्ली बॉर्डर पर देखने को मिल रहा है आज किसानों ने भारत बंद का भी आह्वान किया है मगर मध्य प्रदेश का किसान क्या कुछ सोचता है इस आंदोलन को लेकर मांगों को लेकर और जिस तरह का प्रदर्शन चल रहा है उसे लेकर फिलहाल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के पास ही हम मौजूद हैं खेत में और यहाँ पर किसान अपना सामान्य जो रोम रोस का कामकाज होता है खेतों में वो करते हुए दिखाई भी दे रहे हैं आपसे बात करते हैं ये जो इतना बड़ा आंदोलन एक बार फिर से चल रहा है क्या सोचते हैं आप देखिए पिछली बार भी इन्होंने जो आंदोलन किया था और वो तीन कानून के ये काले कानून बता रहे थे उस समय भी ये राजनीति से प्रेरित था और अभी भी लगभग राजनीति से प्रेरित है एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस इसका जो अंग्रेजी अनुवाद है तो ये तो होने ही नहीं चाहिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं हमें तो लाभकारी मूल्य चाहिए भाई जैसे खेती को और दूसरा खेती को व्यापार का दर्जा मिलना चाहिए ये मांग होनी चाहिए तब जाके किसान अपना लाभ लाभ कमा पाएगा मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो भाई सदियों से चलता आ रहा है उसको कर भी देंगे तो किसान को क्या है और कैसे मिल सकता आप कैसे तय कर सकते हैं मान लीजिए कि एक अनाज कुछ खराब है कुछ अच्छा है तो उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस में कैसे देगा ये कि रेट तो नहीं मिल सकता ना एक अच्छी क्वालिटी का है एक खराब क्वालिटी की है और रही बात ये कि यदि इनको कुछ जो मुद्दे हैं किसानों के जो सदियों से होने चाहिए सबसे पहले तो लाभकारी मूल्य होना चाहिए दूसरा किसान को ये स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वो कहीं भी अपने मटेरियल को बेच सके वो ये प्रावधान में था तीन कानून में इनने उसको वो कर दिया तीसरी चीज़ ये है कि यदि आज मान लीजिए मैं यातायात नियम की बात करें तो हम लोगों को पाइप लगते हैं बीस फिट के है ना बीस फिट के पाइप यदि हमें एक पाइप की जरूरत होती है और यदि यातायात नियम का पालन करें तो हमें उसे लेने के लिए दस हज़ार रुपये भोपाल से यहाँ तक एक पाइप खरीदने के लिए पाँच सौ रुपये पाइप के खरीदने कर रही तो ये नियम में बदलाव होने चाहिए भाई वो ट्राली में ला सकता है ऑटो से ला सकता है अब कोई भी आपको ही घर पे एक बीस फिट का पाइप चाहिए तो आपके ट्रक करके लाओगे जबकि संविधान ये कहता है कि साहब बाहर नहीं निकलना चाहिए कोई भी और वो बीस फीट का होता है तो बाईस फीट की गाड़ी चाहिए तो टेन व्हीलर ट्रक चाहिए टेन व्हीलर ट्रक दस हजार का आएगा तो ये इस तरीके के का कानून होने चाहिए है ना खेती में ये आप आपसे बात करते हैं आप बताइए क्या नाम है आपका मेरा नाम मलखान सिंह राजपूत है मलखान भाई ये बताइए कि ये जो भारत बंद का आह्वान हुआ है यहाँ पर कोई असर है आप लोग तो यहाँ पर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं अपने अपने खेतों में नहीं देखिए हमारे यहाँ तो मुझे नहीं लगता कोई असर है यहाँ पर भारत बंद का और भारत बंद किस लिए भाई भारत बंद करने से क्या होगा भारत बंद करने लॉस ही है ना जो किसान अपना कर रहा है उसकी फसल है सब्जियां हैं सब्जियां हैं वेजिटेबल्स हैं अपनी अगर वो आज एक दिन सब्जी को रोक लेता है तो उसका तो लॉस ही है तो किसानों ने हमेशा लोगों के हित के काम किए हैं और अगर किसी का हित होता है तो फिर किसान ने तो कभी ऐसा काम नहीं किया है कि जो किसी का हित करे पहला जो आंदोलन हुआ उस काफी दिनों तक वो चला सरकार ने तीनों कानूनों को वापस भी लिया और अब उसके बाद फिर से ये आंदोलन और चुनाव से ठीक पहले नहीं ये आंदोलन जो है किसानों का रूप दिया गया है राजनीतिक उसमें शामिल है सीधी बात तो ये है सच्चाई बाकी किसानों के हित में मतलब कुछ है इनके बातें जो कर रहे हैं कुछ मांग अच्छी भी है लेकिन कुछ कहीं से भी ठीक नहीं।, नहीं है किसान तो अपना काम नहीं उसकी रोजमर्रा की जीवन के कृषि से ही चलता है यदि वो आंदोलन करके घर बैठ जाए तो उसका तो मतलब सिस्टम पूरा खराब हो जाएगा ये ठीक है मध्य प्रदेश में भी जो चीज़ें हैं किसानों को लेकर ठीक चल रही है या यहाँ पर भी आप लोग परेशान हैं नहीं परेशान तो इतना ज़्यादा नहीं है हम बाकी ये है कि यहाँ का माल बाहर नहीं ले जाने की सोचो तो नहीं ले जा सकते कम माल होता है इसलिए यहाँ इतना परेशान तो नहीं है किसान ये एम एस पी एम एस पी की बात लगातार हो रही है कि एम एस पी होनी ही चाहिए इसको लेकर आप क्या सोचते हैं एम तो किसानों के लिए होना चाहिए जरूरी है एम एस किसानों के लिए मगर जो भारत बंद का जो किसान आंदोलन ने जो आह्वान किया वो गलत है देश के लिए और किसानों के लिए भी किसान कभी भारत बंद नहीं करेगा ये तो राजनीति से पीड़ित प्रेरित लोग हैं पता नहीं कौन कौन है मैंने देखा है न्यूज पे के 25 25 50 50, 50 लाख के ट्रैक्टर ब्रेकिट तोड़ रहे हैं जब नंगा भुखमंगा किसान है तो उसके पास 50 लाख का ट्रैक्टर आएगा क्या हो सकता पॉसिबल है ये ये तो राजनीति से पीड़ित है तो पता नहीं क्या करना चाहते हैं देश में दोबारा ये जो चीज आप बता रहे हैं और जिस तरह जिस तरह का वो तरीका अपना रहे हैं उस तरीके से आप लोग सहमत हैं नहीं कहीं से नहीं भाई किसान ने तो लोगों का पेट पाला है आप ये देखिए कि किसान मतलब सबसे मैं इसी मोदी सरकार के वो कहूँ तो सरकार ने जो किया गलत किया अधिकारियों ने दो दो महीने साल साल भर घर बैठे है ना डेढ़ डेढ़ लाख रुपये जिनकी तनख्वाह है उनको पूरी तनख्वाह दी लेकिन किसान ने उस कोरोना काल में पूरे समय पे अपनी सब्जियाँ फसलें उगाई और लोगों का पेट भरा दूध दिया और लोगों की कुछ सब्जियां खराब हुई लेकिन एक रुपए की मदद नहीं दी ये विडम्बना है तो इन चीज़ों पे बात होनी चाहिए सरकार को कि जो आपका पेट पाल रहा पूरी दुनिया का पेट पाल रहा जिसको आप अन्नदाता कहते हैं तो अन्नदाता के लिए ऐसी व्यवस्थाएं हो जिससे वो प्रताड़ित तो और इन व्यवस्थाओं का लाभ मिल सके उसे ऐसी व्यवस्थाएँ होनी चाहिए आप बताइए कि Uh, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो सरकार को करना चाहिए चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो जो किसानों के लिए बिल्कुल बेहद ज़रूरी है देखिए सबसे पहले तो ये है कि जो सरकार सब्सिडी देती है तो सब्सिडी जब देती है तो डायरेक्ट देना चाहिए जैसे पाइप पाँच का है तो आपको कहना पाइप पाँच का ले लीजिए पाँच सौ रुपये रहना चाहिए उसमें सब्सिडी का पैसा लेके फिर उसको अकाउंट में डाल डालकर वो एक चीज़ अलग है और देखिए समर्थन मूल्य अभी जैसे सत्ताईस सौ रुपए बोला है मध्य प्रदेश में तो सताइस सौ ना करके उसको पैतीस सौ करीब करना चाहिए क्योंकि गेहूं का देखो लागत भी बढ़ रही है हर चीज हो रही है है ये मिल रहा अभी सत्ताईस सौ नहीं अभी बोला है उनने इस बार अभी गेहूं जब तुलाई होगी इसका तो तो यही नहीं मिला है आप कह रहे सौ दे नहीं अभी देखिए गेहूँ तुलाई नहीं हुई तो कैसे मान सकते हैं अगर तुलाई होने के बाद पैसा सत्ताईस आता है तो उसको मानेंगे सत्ताईस सौ और अगर नहीं आया तो नहीं मानेंगे उसको आप बताइए ठीक देखिए वायदा किया था सत्ताईस सौ का बाकी जो केंद्र से है वो बाईस सौ पचहत्तर रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से अभी पंजीयन हमारे तो यहाँ पंजीयनों तक दिक्कत आ रही है वो कुछ आ, मतलब आधार कार्ड से और समग्र आईडी से लिंक कराना है आपको खसरे और इसके बाद में हुआ क्या है? हमारी भाई में खसरा जो डला है पारिवारिक ज़मीन है उसी में बटा बटा जैसे छः भाई हैं तो ये चार नंबर है चारों के बटा बटा हुए है वो वहाँ पर व्यवस्थित चढ़ा ही नहीं है उस पर मतलब हमारी बहियों में कुछ और लिखा है वहां से कुछ और और खामियाँ भी कई तरह की हैं। आप बताइए क्या ऐसी किसान की मांग है जो तुरंत पूरी होनी चाहिए जिससे किसान सबसे ज्यादा परेशान भाई साहब किसान की मांग तो बहुत सारी है सबसे पहले नंबर तो किसान को पानी चाहिए लाइट चाहिए किसान की फसल पर लाभ यानी कि जो लागत है उस पर लाभकारी मूल्य चाहिए किसान की फसल पे ही बाईस सौ तेवीस सौ रूपये खर्च आ रहा है और वो, वो हमको दे रहे हैं तो तो उसको किसान से फ़ायदा क्या हुआ अभी मध्य प्रदेश सरकार ने बोला है सत्ताइस करने का देखते हैं अब होता है नहीं होता है ठीक है इसको भी काफी लंबा टाइम हो गया है अब तो मुख्यमंत्री मोहन यादव को बने हुए भी कि सत्ताईस सौ रुपये अब होनी चाहिए जरूरी है हाँ जरूरी है होना चाहिए जो वायदा किया वो पूरा हो जाए और अच्छा रहे नहीं जो उन्होंने चुनाव में घोषणा की सत्ताईस सौ नहीं हम तो ये कहते हैं कि जो भी लाभकारी मूल्य है जो और किसान को मतलब खेती को व्यापार का दर्जा मिले और लाभकारी मूल्य मिले और जो लागत आ रही है उसके हिसाब से उसे आज मजदूर मिल नहीं रहे हैं हैं बिल्कुल खेती में बहुत सारे नुकसान हो रहे हैं मजदूरों को सबको फ्री दे रहे हैं तो ये फ्री की व्यवस्था बंद हो के किसानों को वो होना चाहिए और साथ ही जो राजस्व मामले हैं ना राजस्व में किसान एक एक मतलब आज खसरे में कहीं आ कर देते कहीं बा कर देते एक भी पटवारी पर कार्रवाई नहीं कर रहे और किसान लाखों रुपये हमारे यहाँ भोपाल में रोज डेली कम से कम दस से बीस लाख रुपये रिश्वत रोज़ ली जा रही क्यों क्योंकि उसमें जब किसान गेहूं के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने जा रहा है ना तो खसरे में बही पे है एक बटा दो और उस पर क्या बोलते कंप्यूटर पे है आ और बासा तो उसमें ही वो उसको ही सरकार गलती उनकी है जिनने गलती की है ना भ्रष्टाचार है इस मामले में राजस्व विभाग में इतना भ्रष्टाचार है किसान इतना परेशान है इसका कोई हिसाब नहीं हम दस भाई हैं या पांच भाई हैं हमारे नाम पे कुछ और निकल रहा है और हमारी बही में कुछ और है और जानबूझ के करते हैं अगर नहीं करेंगे तो खाने को कहा से मिलेगा ने, 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 ये गलती है जान के करते अभी हमने तो ज्यादा समय नहीं हुआ अभी बटान करवाया है और सीमांकन करवाया है तो अभी मतलब उसमें राजस्व में जो कम्प्यूटरीकृत खसरे चढ़ते हैं वो हमारे अभी तक चढ़ाए ही नहीं गए लगभग उसको एक साल हो गया और अभी आठ हमने शिकायत की तब तो उन्होंने नपती बड़ी मुश्किल से की है कलेक्टर साहब के हमने अवगत कराया तो आपने सुना देखा की आखिरकार किसान क्या कुछ कह रहे हैं और भारत बंद का ज़रूर आह्वान हुआ है मगर मध्य प्रदेश में इसका बिल्कुल असर नहीं है किसान अपने खेतों में काम कर रहे हैं हाँ ये बात पूरी तरह से सच है कि मध्य प्रदेश का किसान भी परेशान है मगर ताजुब इस बात का है कि इस बात को सुनकर सरकार क्यों है रहने कैमरा मुकेश के साथ शुभम गुप्ता टीवी नाइन भारतवर्ष भोपाल